नमस्कार, आप देख रहे हैं LTC रहबार और मैं हूं दीपक कुमार। साथियों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से खबर लेकर आया हूं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करीब 27 बच्चे कतार में चले जा रहे हैं और कमाल की बात यह है कि उन सब के सर मुंडे हुए हैं, यानी उनका मुंडन हो रखा है और सब के सब सर झुका के चल रहे, कतार में चल रहे हैं। और इस वीडियो में उनके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी दिखाई दे रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो तरह तरह की बातें होना शुरू हुआ। सब लोगों ने इस वीडियो को जो है सीधा रैगिंग से जोड़ा है। लोगों का मानना है और बातें की जा रही है कि इनके सीनियर्स ने इनको आदेश दिया था कि आप अपना पूरा सर मुंडाकर इस तरह से सर झुकाकर चलेंगे और अपने हाथ पीछे रखकर यूं कतार में चलेंगे। दोस्तों, अगर ये मामला रैगिंग से है तो ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है, बिल्कुल विचारणीय बात है। इस मामले में जब प्रिंसिपल से बात की गई तो प्रिंसिपल ने कहा कि अभी तक उनके पास कोई भी रैगिंग से जुड़ी हुई शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर कोई शिकायत आती है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि जब बच्चों से पूछा गया कि आपने ये सर क्यों मुंडवाया है तो बच्चों ने अलग अलग तरह के रीज़न्स दिए। किसी बच्चे ने कहा कि उसने गर्मी के कारण अपने बाल कटवाए, तो किसी बच्चे ने कहा कि उसके सर पे डैंड्रफ थी इसलिए उसने बाल कटवाए। खैर, अभी जिस तरह के रीज़न आ रहे हैं मुझे कुछ कहना मुश्किल है कि सच्चाई क्या है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आए और एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में अगर रैगिंग जैसा अपराध होता है तो उसके खिलाफ क्या पनिशमेंट है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार हर कॉलेज में एक एंटी रैगिंग स्क्वाड होना चाहिए या एंटी रैगिंग कमेटी होनी चाहिए जो कि लगातार रैगिंग पे नज़र रखती है। और अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो स्टूडेंट्स को 3 साल तक की कैद मिल सकती है। इस वीडियो को अगर कोई भी MBBS या इंजीनियरिंग या किसी भी कॉलेज का छात्र देख रहा है जो रैगिंग जैसी समस्या का सामना कर रहा है तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो ये टोल फ्री नंबर चल रहा है जिसको UGC ने जारी किया है, इस टोल फ्री नंबर पर आप बात करें और अपनी समस्या को जितनी जल्दी हो सके आप बताएं ताकि उसका निवारण हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। खैर, अभी हम यही उम्मीद लगाते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो ये सच्चाई है इस मामले की वो सामने आए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अपना बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए LTC रहबार। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।